हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद बबीता सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गाजर को धुल लेना है। सारे गाजर धुल लिए हैं, ये देखिए। उसके बाद हमें जो भी ख़राब पार्ट है उसे निकाल के गाजर को छील लेना है। ये ऊपर का उसका छिलका हटा देंगे तो जो भी ख़राब है वो हट जाएगा। इसी तरह सारे गाजर क्लीन करके रख लेना है। अगर गाजर ज़्यादा ख़राब नहीं है तो आप चाकू से भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इसका हल्का हल्का ऊपर से क्लीन करके रख सकते हैं। तो देखिए, सारे गाजर हम लोगों ने क्लीन करके रख लिए हैं। इस तरीके से सारे गाजर क्लीन कर लेंगे, उसके बाद इसे घिस लेंगे। देखिए गाइस, इस तरीके से हमने सारे गाजर को घिस के रख लिया है। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे। इसको तेज आंच पे 2-3 मिनट तक आपको भूनना है, लगातार चलाते रहना है। जब 2-3 मिनट हो जाएंगे तब आपको गैस कम करना है, फिर इसको गलने के लिए छोड़ देना है। फिर ये पानी छोड़ेगा और गलेगा। दो तीन मिनट इसको भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें शक्कर डाली है। शक्कर है 2 किलो गाजर के हिसाब से 400 ग्राम शक्कर ली गई है।
शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।